द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल्स गिवन बिलो। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है लेबनिज़ एक्सप्रेशन, इसमें आपको बताना है कि हाईएस्ट डिग्री किसका है। यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल्स, यहाँ पर सबसे हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट है वो पावर थ्री है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, थ्री होगा। इसी तरह से बी नंबर का जो क्वेश्चन है 13a^5 - 2a+3, अब इसमें जो है पावर कितना है, 5 है, इसलिए इसका आंसर कितना होगा, 5 है। इस तरह से इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, एज का क्वेश्चन है, और इसमें चूज करना है आपको कि फाइंड आउट करना है कि किसका एक्सपोनेंट सबसे बड़ा है, वही डिग्री वाला एक्सप्रेशन क्या आएगा। अब दो नंबर में आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर टू में आइडेंटिफाई द लाइक टर्म ऑफ द गिवन विंडो। यहाँ पर बहुत सारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जैसे 3 y x 3 y x z 3 y x z 3 y x 3 y x 3 y x z 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3 y x 3
ऑफ द गिवन वीडियो, इसमें लाइक टर्म चूज करना है। तो लाइक टर्म के बारे में कल आपको बताया था, जैसे आप मान लीजिए 4x2y है, तो यहाँ पर x2y के जैसा जितना भी एक्सप्रेशन होगा सब लाइक टर्म में आएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ आंसर हम देने जा रहे हैं 4x2y, इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर 3yx2 है, तो 3yx2 इट मीन्स 3x2y है, तो ये भी आएगा इसमें माइनस 3x2y। इसके बाद और भी आप देखेंगे इसमें यहाँ पर माइनस 7yx2 है, तो माइनस 7yx2 ये भी इसी ग्रुप में आएगा। और इसके बाद और भी देखेंगे इसमें कोई है नहीं, तो ये जो टर्म होगा यह आपका लाइक टर्म होगा। अब सेकेंड आप देखते हैं यहाँ पर 3xyz, तो यहाँ पर 3xyz, अब इसके जैसा xyz का अब कॉम्बिनेशन देखेंगे कि कहाँ xyz है, तो यहाँ पर देखना है कि 3yxz है, तो यह भी 3yxz ये जो कॉम्बिनेशन होगा आपका लाइक टर्म होगा। और इसमें देखेंगे तो और कोई है कि नहीं, तो ये जो सेम एक्सप्रेशन में है वही इसका लाइक टर्म होगा। अब आप देखेंगे थर्ड नंबर में राइट 3 टर्म्स व्हिच आर लाइक, इसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में कि राइट 3 टर्म्स व्हिच आर लाइक, एक टू टर्म दिया हुआ है माइनस 2xy। अब इसको 3 लाइक टर्म्स आपको चूज करना है, तो इसके जैसा जो xy ग्रुप का है इसमें आप कर सकते हैं कि 4xy माइनस 3xy, ये तीनों ग्रुप जो है वह क्या है
अगर 2L दिया हुआ है तो 2L, जैसे मान लीजिए कि 2L मैंने लिखा, जो बुक में दिया हुआ है 2L, अब इसके लाइफ टर्म में 3L भी हो सकता है, 4L भी हो सकता है, माइनस L भी हो सकता है, इस तरह से ये सब लाइफ टर्म में आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर फोर में आप देखेंगे, रीअरेंज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सेट करना है, अरेंज करना है, जैसे 4x4, उसके बाद माइनस 3x प्लस 7x2 माइनस 4, इसको रीअरेंज करना है। और किस ऑर्डर में करना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जिसका डिग्री ज्यादा होता है, जिसका एक्सपोनेंट ज्यादा होता है, वह बड़ा होता है। तो यहाँ पर 4x4 पहले लिखेंगे, उसके बाद प्लस ये 7x2 सेकंड में लिखेंगे, और थर्ड में होगा माइनस 3x, और लास्ट में होगा 4। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में लगभग एक तक क्वेश्चन है, इसको आप बना लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 में व्हिच ऑफ द गिवन बिलो एक्सप्रेशन आर द पॉलिनोमियल्स। 5 नंबर में आपको ये चूज करना है कि जो नीचे एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें कौन कौन पॉलिनोमियल है। तो इस पॉलिनोमियल के लिए सबसे पहले हम जो निगेटिव थॉट है वो बता दें कि जिसका पावर निगेटिव में हो, जिसका एक्सपोनेंट माइनस में हो, वह पॉलिनोमियल कदापि नहीं हो सकता, और जिसका पावर पॉजिटिव में हो वह ऑटोमेटिकली पॉलिनोमियल में होगा। इस तरह से हम चूज कर लेंगे। अब इसमें क्वेश्चन आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, 4x^-4 प्लस 3x² प्लस 7x-4। यहाँ पर आपको मैंने फर्स्ट में बताया था कि जिसका पावर, जिसका एक्सपोनेंट माइनस में होता है, वह एक्सप्रेशन कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसलिए पहला जो है वह एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब इसमें बहुत सारा है, ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी जो है वो भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सी नंबर में -4x^-3 है। तो इस तरह से जो पॉलिनोमियल होगा वो कौन सा होगा, तो डी नंबर, 7x³ + 4x²-3x-1। यहाँ पर आप देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन में जो डी एक्सप्रेशन है, इसमें 7x³ + 4x² उसके नेक्स्ट वन -3x और -1, ये आप एक्सप्रेशन देखेंगे जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यह पॉलिनोमियल रूप में होगा। क्यों होगा, कि इसका जो एक्सपोनेंट है, इसका जो पावर है, वो नेगेटिव नहीं है। इस तरह से हम ये 5 नंबर के क्वेश्चन में पॉलिनोमियल को डिटरमाइन कर सकते हैं, पॉलिनोमियल को हम चूज कर सकते हैं कि इसमें कौन पॉलिनोमियल रूप में होगा और कौन नहीं होगा। अब 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द एक्सप्रेशन, क्वेश्चन नंबर 5 को ही देखते हुए इसमें मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल की चर्चा करती है। अब आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो यहाँ पर मोनोमियल का डेफिनेशन कल आपको बताया गया था, और इसमें ये बात बताई गई थी कि एक टर्म यानी वन टर्म वाला जो भी एक्सप्रेशन होगा वो मोनोमियल में आएगा, टू टर्म वाला बाइनोमियल में आएगा, थ्री टर्म वाला ट्रिनोमियल में आएगा, और थ्री टर्म्स के बाद यानी मोर देन थ्री टर्म्स वाला कोई भी एक्सप्रेशन होगा वह पॉलिनोमियल में आएगा। और लास्ट डिसीजन इसमें नॉन पॉलिनोमियल कौन है, अभी आपको बताया गया था कि जिस एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंट यानी पावर माइनस में होता है वह नॉन पॉलिनोमियल में